तो आज का जो डिफरेंशिएशन का पहला सवाल है, सपोज हम कहते हैं क्वेश्चन में, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ क्यूब रूट ऑफ एक्स, है ना, इसका करना है। तो इसको कैसे करेंगे, इसको भी चेन रूल से कर सकते हैं हम, ठीक है ना। चेन रूल से कैसे करेंगे, हमको क्या निकालना है, बेसिकली एफ डैश एक्स में एक्स की वैल्यू पुट करनी है, सिक्स पाई स्क्वायर बाई 16, है ना, हमको ये कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो एफ डैश एक्स निकाले हम, फिर एक्स की जगह वैल्यू पुट कर देंगे पाई स्क्वायर बाई 16। ओके, तो एफ डैश निकालते हैं, एफ डैल एक्स इसके बराबर हो जाएगा। तो सबसे पहले तो साइन का लुक आ रहा है इसके अंदर, तो साइन का होता है कॉस, है क्या नहीं, तो कॉस क्यूब रूट ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये तो बेसिकली साइन क्यूब रूट ऑफ एक्स का हुआ, अभी हमें और किसकी जरूरत है, क्यूब रूट ऑफ एक्स की जरूरत है। तो उसका क्या होगा, ध्यान से देखिए, एक्स की पावर 1/3 है, इसका बेसिकली डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1/3 तो आएगा ही, और एक्स की पावर आएगा, 1 - 1/3, हाँ माइनस वन नहीं, 1/3 - 1 आएगा, यही तो यस आएगा, सर, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 1/3 एक्स की पावर -2/3 हो जाएगा, है क्या नहीं। तो यहां पर आएगा 1/3 एक्स की पावर -2/3 हो जाएगा। अब दूसरी बात, अब किसका करना है मुझे, अब किसी और चीज का करना है या नहीं, नहीं अब किसी और चीज का नहीं करना, अब तो हो गया, अब एक्स का करोगे तो एक्स का 1 आएगा, बात समझ में ही, सबसे बाद में एक्स ही बचता है, तो एक्स का हम इंशाल्लाह एक्स का तो हम 1 ही लिखते हैं, ठीक है बस। अच्छा आगे चलते हैं, अब अभी हमने हमें वैल्यू रखनी है एक्स की जगह इसकी, तो अब हमें निकालना है एफ डैश पाई स्क्वायर बाई 16, ठीक है ना, पाई स्क्वायर बाई 16 रखनी है। तो इसमें हम कैसे रखेंगे ये बताओ, सीधी सीधी वैल्यू है कॉस, और इसको रख दें पाई स्क्वायर बाई 16, और इसकी पावर कितनी है भाई, 1/3, और डिवाइडेड बाई कितना है, डिवाइडेड बाई 3, और नीचे ही एक्स को ले लेते हैं, तो एक्स की जगह या ऊपर ही ले लेते हैं पाई स्क्वायर बाई 16, और इसकी जो पावर है वो कितनी है, -2/3 है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई किया जा सकता है, क्या नाम है, हालांकि लग नहीं रहा मुझे हो जाएगा सिंप्लीफाई, बस यही आंसर हो गया इसका, ठीक है कर लोगे, आगे बढ़ते हैं। सर्कल सर्कल वो सवाल, उसमें क्या कहते हैं, वो जो सवाल थे सर, उसमें से कुछ सवाल हो नहीं पाया मुझसे। सॉल्यूशन तो मुझे सेंड कर दो उसका, मैं सॉल्यूशन भेज दूंगा तुम्हें, अभी अभी उसका सॉल्यूशन में भेज दूंगा, मैं ये चाहता नए, था कि आप ये एक्सप्लेन कर दिए, वो हाँ तो मैं एक्सप्लेन अलग करके ही भेज है सर। दूंगा, मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगा, तुम मुझे भेज देना उसको, ठीक है ना, अगली मीटिंग में उसको एक्सप्लेन कर देंगे। अभी ये नए जो सवाल लगा रखे हैं ये देख लो, और अभी मैं तुम्हें और भी दूंगा सवाल, दो चार और कर लो, इतने तुम मुझे वो वाले भेज दो, ठीक ठीक है, है। अभी 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 देखो ये वाला नया सवाल है, इस ये वाला कंसेप्ट सीख लेना, ये वाला अब जो बता रहा हूं मैं इसमें, ठीक है ना। यूं कह रहे हैं इफ एफ जी और एच आर डिफरेंशिएबल, देखो डिफरेंशिएबल वर्ड जो इस्तेमाल कर लिया, इसका मतलब क्या है, फंक्शन डू नॉट एग्जिस्ट वाली बात नहीं आएगी यहां पर, बात समझ में आई, डिफरेंशिएबल है, बात समझ में आई, डिफरेंशिएबल फॉर्म, और गिवन क्या क्या है इसमें, और गिवन क्या क्या है, गिवन दे रखा है एफ एट 0 इज इक्वल टू 1 दे रखा है, ठीक है, और जी एट 0 इज इक्वल टू 2 दे रखा है, एच एट 0 इज इक्वल टू 3 दे रखा है, बात समझ में, तीनों फंक्शन की वैल्यू 0 पर डिफाइंड है, दे रखी है। अच्छा इसी के साथ साथ जी और एच और एट 0 डैश ये भी दे रखा है, बात समझ में, अब इसको तुम डैश अंदर ही लगाओ तो ज्यादा बेहतर है, बाहर मत लगाओ, ठीक है ना, डैश जो है वो अंदर लगाओ तो ज्यादा बेहतर, ठीक है, जैसे मैं क्या कह रहा हूं, इनका डैश एट 0
ये भी डिफाइंड, फॉर एग्जाम्पल ये कितना है, फोर जी एच हो गया, और कौन सा बच गया, एच और एफ, इनका डैश एट जीरो, ये भी डिफाइन है। फॉर एग्जाम्पल एच एफ डैश मान लेते हैं हम 5 है, ठीक है। अभी कोई और बच गया, हाँ एफ जी डैश एट जीरो इज इक्वल टू, ये भी डिफाइन है। सपोज करते हैं इसको, सपोज करते हैं ये 6 है, अरे डिस्टर्ब नहीं करो भाई, चुप यार स्टैंड, इससे कुछ मत कहो, अरे इससे कुछ मत कहो अभी, ठीक। हमसे क्या पूछा है, फाइंड एफ जी एच का डैश एट जीरो, ये बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एक कंसेप्ट, ये फॉर्मूला याद कर लो बस, एक 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 कंसेप्ट जो कल सिखाया था ना, अगर वो याद कर लो ना तो सारे मसले हल हैं, बात समझ में। ये हमसे पूछा है, याद कर लेना ये बात कि अगर इस तरीके के 3 फंक्शन हैं और मतलब क्या, दो दो लगा रखा है, दो दो लगा रखा है और उसका डेरिवेटिव पूछ रखा है, तो इसका डैश एट एक्स, एट कितना, एक्स किसके बराबर होता है, हाफ बाहर निकालो, एक फंक्शन को रखो जी एच डैश लगाओ, प्लस दूसरे फंक्शन को रखो एफ एच लगाओ, प्लस तीसरे फंक्शन को रखो एफ जी डैश के साथ। कल कल क्या सीखा था कि एक एक का डैश लगाओ, अब यहां पे क्या है, दो दो का डैश, देखो यहां पर दो का डैश, दो का डैश, दो का डैश, और यहां पे बस क्या करना है, आपके 1/2 बाहर निकालना है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है। अब ये तुम कैलकुलेट कर सकते हो, हाँ भाई बहुत आसान है कैलकुलेट करना, ठीक है। अब ये बेसिकली मैं किस पे जाता हूँ, एफ जी एच डैश जीरो पर जाता हूँ, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये एफ क्या हो जाएगा, ये एफ भी जीरो पर हो जाएगा, और जी एच का जो डैश है ये भी जीरो पर हो जाएगा, प्लस जी भी जीरो पर हो जाएगा, और एफ एच का जो डैश है ये भी जीरो पर हो जाएगा, प्लस एच का जो डैश है, ये एच जो है वो भी जीरो पर हो जाएगा, और एफ जी का जो डैश है ये भी जीरो पर हो जाएगा। बोलो ये सारी चीज गिवन है या नहीं, गिवन है। देखो ये कितना है, ये एफ जीरो कितना है, देखो वन ये आवाज 1 है, ये जी एच डैश जीरो पर कितना है, जी एच डैश जीरो फोर पर ये 4 है, प्लस जी जीरो कितना है, जी जीरो टू आपका इनटू एफ एच डैश एट जीरो कितना दे रखा है, एफ एच डैश, एफ एच डैश नहीं दे रखा भाई, जी एच, हाँ ये है तो एफ एच डैश एट जीरो, ये कितना दे रखा भाई, 5 दे रखा है, प्लस एच जीरो कितना दे रखा है, एच एट जीरो इक्वल टू 3 दे रखा है, इनटू एफ जी डैश एट जीरो कितना दे रखा है, 6 दे रखा है। आप क्या मेरी बात समझ में आ रही है, इसको कैलकुलेट कर लो तो सीधे सीधे आपका आंसर नंबर से में आ जाएगा भाई, क्या समझ में आई बात। तो मेन चीज क्या याद रखनी है इसके अंदर, इसके अंदर मेन चीज जो याद रखना है वो ये फार्मूला याद रखना है, ठीक है। कल एक फार्मूला, क्यों भाई समझ में आ गया, सर हाँ रिकॉर्ड भी हो रहा है, अब तुम चाहे लिखते भी चले जाओ, रिकॉर्ड हो रहा है, मैं अभी अपलोड कर दूंगा इसको, आगे बढ़ते हैं। तो अभी फार्मूले को रिवाइज कर लें, इस वाले को, ये वाला जो फार्मूला है याद कर लोगे, कल सर कर लूंगा यार। कल जो बताया था उसके साथ याद कर लेना, अगर बेसिकली एक एक का डैश लिखना हो, मुझे एक एक का डैश लिखना हो तो क्या फार्मूला होता है, और दो दो का लिखना हो तो क्या फार्मूला होता है, उसको इन दोनों चीजों को याद कर लूंगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये दोनों चीजें, इनको याद कर लूंगा, आगे बढ़ते। सपोज करो एक कोई क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, नया क्वेश्चन जो है, हमको दे रखा है एफ एट 2 इज इक्वल टू 1, कोई फंक्शन दे रखा है कि 2 पर कितना है वो 1 है, और एफ डैश एट 2 दे रखा है 3, है ना, वो क्या दे रखा है, वो आपके 3 पर दे रखा है, एंड जी एक्स दे रखा है, कोई नया फंक्शन दे रखा है जी एक्स, है ना, फंक्शन है एक्स, ये किसके बराबर है, फंक्शन ऑफ एक्स ऑफ फंक्शन एक्स इसके बराबर है, क्या मेरी बात समझ में आई, ठीक है, यस सर, बोलो क्लियर हुआ नहीं, यस सर, है ना। तो यहां पर ये ऐसे ब्रैकेट लगे, ऐसे करके आपके 3 ब्रैकेट लगे,
हमसे पूछा है फाइंड जी डैश एट टू। अब इनको अच्छे तरीके से बारीकियों से समझते चले जाना, बारीकियों से समझते जाना, बात समझ में आ रही नहीं आ रही। ये हमसे पूछा है कि भैया ये कितना होगा, बहुत ही आसान है, इसको बिल्कुल भी इसमें गड़बड़ी नहीं, गड़बड़ नहीं है। देखो यहां पर जो है ना, यहां पर इस जगह पर क्या चीज है, इस जगह पर मल्टीप्लीकेशन है, क्या चीज है, मल्टीप्लीकेशन है, फंक्शन ऑफ एक्स का और एक्स का, एक्स और फंक्शन ऑफ एक्स का, और इस पूरे प्रोडक्ट का एक फंक्शन है जिसको मैंने नाम दिया है जी एक्स, और जी एक्स का मुझे डिफरेंशिएशन करना है, इसका भी, इसका मुझे डिफरेंशिएशन करना है, और वहां पर एक्स की वैल्यू क्या पुट करनी है, एक्स की वैल्यू टू पुट करनी है। बहुत सिंपल सवाल है, बिल्कुल भी इसके अंदर गड़बड़ी नहीं करना। देखो जी डैश एक्स, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, जी डैश एक्स को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। तो इसमें कौन सा रूल लगाओगे सबसे पहले देखते ही, चेन रूल लगाओगे या प्रोडक्ट? प्रोडक्ट भी लगा सकते हैं, चेन भी लगा नहीं, सकते हैं। पहले चेन रूल लगाएंगे, पहले चेन रूल लगा देंगे, जब हम अंदर पहुंचेंगे तब प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, पहले तो हम चेन रूल लगाएंगे। तो चेन रूल में मैं सबसे पहले क्या लिख दूंगा, एफ डैश एक्स डॉट एफ एक्स, बोलो बात समझ में आई या नहीं? ये तो इसको हो गया अब प्रोडक्ट रूल। अब मुझे डिफरेंशिएशन किसका करना है, ये अंदर वाली पार्टी का, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अंदर वाली पार्टी का डिफरेंशिएशन, पहले एक को रखो, दूसरे का डिफरेंशिएशन करो, फिर प्लस लगा दो, आप दूसरे को रख दो और पहले का डिफरेंशिएशन करो, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एक्स का हाँ डिफरेंशिएशन डी एक्स बाई डी एक्स है ना, ये तो वन ही हो जाएगा, ठीक है बोलो। और ये पूरा का पूरा मल्टीप्लाई होगा किससे, अपने पुराने वाले से, बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसको साफ साफ लिख दू, देखो एफ डैश एक्स डॉट एफ एक्स, सॉरी इनटू इनटू एक्स डॉट एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स, ठीक है, यही होगा या नहीं होगा, समझ में आ रही बात? अब मुझे क्या निकालना है, जी डैश एट टू निकालना है, तो जहां जहां बेसिकली टू है वहां वहां पर टू पुट कर दो, तो ये हो जाएगा एफ डैश टू इंटू एफ टू इंटू एफ टू इंटू टू इंटू एफ डैश टू प्लस एफ टू, बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, क्लियर है ना? अब ध्यान से देखना, ये एफ टू कितना है, एफ टू कितना है, वन है या नहीं? तो वन इंटू टू आ गया, ये एफ डैश आ गया, एन टू ये किससे हो रहा है, टू इंटू एफ डैश कितना है, एफ डैश टू इतना है, एफ डैश टू थ्री के बराबर है, प्लस एफ टू कितना है, एफ टू वन के बराबर है, ये कितना आ गया, एफ डैश टू इंटू दो तीन छह और एक सात हो गया, एफ डैश टू कितना है, एफ डैश टू तीन है, तो तीन इंटू सात इज इक्वल टू 21, आंसर आ गया, बात समझ में आ गई नहीं आ गई? बेसिकली इसमें इस तरह के क्वेश्चंस में क्या आती है, वैल्यू आती है, वैल्यू, बात समझ में आई नहीं, क्लियर हो गया? ओके अगली स्लाइड पे चलते, नाउ एक और क्वेश्चन लेंगे, मैंने अलग अलग तरीके के क्वेश्चन रखे, एक और क्वेश्चन, अभी ये वाले जो लॉग के क्वेश्चन है ना, फिर इसके ऊपर मैं दो तीन क्वेश्चन अभी तुम्हें करने को दूंगा, एक मिनट रुको, पंकज लगा अहमद कहा, तुम अंदर आ जाओ, ध्यान से देखना, वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ लॉग एक्स टू द बेस ए, और पहले वाले लॉग की बेस भी ए, हमको क्या मालूम करना है भैया, हमको मालूम करना है डी वाई बाई डी एक्स क्या है या वाई डैश क्या है, बात समझ में, ये हमें मालूम करना, बहुत ही कंसेप्ट को इसको समझ लेना, जब भी कभी मुझे ऐसा मिलेगा लिखा हुआ जहां पर बेस ई नहीं होगी, जब तक बेस ई नहीं होगी मैं डिफरेंशिएट नहीं करूंगा, बात समझ में आ रही है, जब भी बेस ई नहीं होगी मैं डिफरेंशिएट नहीं करूंगा, तो मुझे बेस ई बनानी पड़ेगी, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो लॉग एक्स टू दी बेस ए को मैं क्या लिख सकता हूं, लॉग एक्स अपॉन लॉग ए,
और यहां पर बेस क्या हो जाएगी, ई हो जाएगी। अब इसको एल एन एक्स लिख लो या एल एन ए लिख लो, चाहे बेस लिखो, बात समझ में आई। अच्छा, जब कभी भी बेस लिखता नहीं हूं मैं, तो इसका मतलब ई ही होता है, ये बात याद रख, है ना। कुछ जगह पर टेन भी समझते हैं, लेकिन आप जो है अभी ई समझ। तो बेटा ये बताओ, जैसे ही मैं इसको कन्वर्ट करूंगा तो वाई को मैं क्या लिख सकता हूं, लॉग टू दी बेस ए लॉग एक्स अपॉन लॉग ए, बात समझ में आ रही है। अच्छा, जैसे ये डिवीजन वाला निशान आ जाता है, इसको 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 मैं कुछ करता हूं क्या, क्योंकि इसका लॉग निकल रहा है ये। अच्छा, ये मैंने ई फालतू में कर दिया, यहां पर तो ए ही होगा, ठीक है, यहां पर तो ए ही होगा इसका, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, लॉग टू दी बेस ए किस चीज का, लॉग एक्स का, माइनस लॉग ऑफ लॉग ए टू दी बेस ए, बात समझ में आई। ऊपर क्यों क्यों किया मैंने, ये लॉग एम अपॉन लॉग एन, सॉरी लॉग एम अपॉन लॉग एन किसके बराबर होता है, अरे लॉग एम अपॉन लॉग अपॉन एन किसके बराबर होता है, लॉग एम माइनस लॉग एन, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो इसलिए मैंने ऐसा यहां पर ये कर दिया। अब ध्यान से देखो ये क्या चीज है, ये तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट कितने भी हद पर मान ले, ये आखिर में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बेसिकली क्या हो जाना है भाई, ये तो जीरो ही हो जाना, ये तो बना ही जीरो होने के, बात समझ में आ रही है कि नहीं। बारह कौन सा वाला? ये वाला, ये कांस्टेंट है भाई, यहाँ पे सर एक्स नजर आ रहा है तुम्हें कहीं, एक्स तो है नहीं, तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। तो ये कितना भी छबेड़े मार ले, इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको इसको तो मेन चीज है ये वाला। देखो बेस क्या चीज है, ए है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, बेस चेंज करने के लिए तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, जरा जल्दी से बताओ, लॉग ऑफ लॉग एक्स टू दी बेस ई अपॉन लॉग ऑफ ए टू दी बेस ई लिख सकता हूं या नहीं, और माइनस ये लगाए रहो तुम, लॉग टू दी बेस ए ऑफ लॉग ए, चलो ब्रैकेट लगा देते हैं, बोलो बात समझ में आ रही है, क्लियर हो गया ना, बोलो यस सर है ना। अब ये बताओ, इसका डिफरेंशिएट, इसका डिफरेंशिएशन करना मुश्किल है कुछ, नहीं सर हो यू जाएगा बाई वी, यू बाई यू बाई वी की तरह इसको डिफरेंशिएट कर दो, कर लोगे, इसका तो डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा फट से, क्योंकि कांस्टेंट है, इसका कर दोगे, देखो यस सर ये इसका स्क्वायर हो जाएगा नीचे, और ये ऊपर जाके इसका डिफरेंशिएशन कर दोगे, फिर माइनस लगा के जो डिनोमिनेटर है उसका डिफरेंशिएशन, और जो न्यूमरेटर है उससे मल्टीप्लाई कर दोगे। लेकिन 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 जब न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करोगे, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या चीज लगाओगे यहां पर, ये बताओ, एक रूल और लगेगा, चेन रूल चेन, शाबाश, बिल्कुल। अब तुम सीख गए हो, जब तुम बता रहे हो ना, इसका मतलब तुम्हें आ गया समझ में, 100%। जब समझ में आया था तभी बोल पाता बच्चा इस बात को, इसमें चेन रूल लगेगा, क्यों, क्योंकि बेसिकली दो फंक्शन नजर आ रहे हैं हमें, चाहे वो फंक्शन है सेम ही, लॉग लॉग ही है, लेकिन है तो दो बार एक्स में, है ना, तो एक तो बेसिकली लॉग एक्स वाला चेन रूल लगेगा, तो लगाओगे इसको, आंसर लिख लो, खाली यस सर आंसर लिख रहा हूं, इसको तुम अभी सॉल्व करो, अभी जब सारे सवाल मैं करा दूं तो अभी सॉल्व करना, अभी के अभी भेजो, ठीक है। इसका आंसर है 1 अपॉन लॉग एक्स टू दी बेस ए इंटू एक्स लॉग एक्स, ये है इसका आंसर, ठीक है, इसको नोट रखना, आगे बढ़ रहा हूं, अभी तुम स्लाइड देख लेना, अभी मैं स्लाइड भेज दूंगा सारी की सारी, आगे बढ़ते, ठीक है सर। ओके। अब नया सवाल करेंगे, ठीक है, एक सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल है, पूछे जाने वाला, वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स, अब इसको सवाल को देखना, और बेस क्या है, कॉस एक्स, ये बताओ क्या इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकता हूं, मुझे वाई डैश निकालना है, नहीं क्या करूं इसका बेस क्या करूं, बेस ई करना होगा। शाबाश, बहुत बढ़िया, तो तुम सीख रहे हो, देखो सबसे पहले ऊपर क्या लिखूं, लॉग साइन एक्स टू दी बेस ई, और नीचे क्या लिखूं, लॉग कॉस एक्स टू दी बेस ई, बस हो गया, लॉग बस खत्म, सवाल ही खत्म हो गया, ये नहीं है बात समझ में। अब क्या टू करूं, द बेस
अब इसमें यूआईवी लगाऊं और चेन रूल लगाऊं, बोलो नहीं आई बात समझ में, कर लोगे? आंसर यस लिख दूं? यस सर, आंसर लिख रहा हूं, आंसर चेक करना, अगर आंसर आ रहा है तो बढ़िया है। तो वाई डैश आता है तुम्हारा इसके अंदर, नीचे आएगा लॉग ऑफ कॉस एक्स का स्क्वायर, लॉग ऑफ कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ये कॉस एक्स है डिनोमिनेटर में, ठीक है, और यहां पर आएगा लॉग ऑफ कॉस एक्स मल्टीप्लाइड बाई कॉट एक्स, देखो कॉट एक्स आ रहा है ध्यान देना, माइनस यहां पर आएगा टेन एक्स लॉग ऑफ साइन एक्स, ठीक है, ये साइनेक्स। आंसर आएगा जो येलो इसको लिखता है, ठीक है, यही आंसर आएगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन, नया क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन क्या है? लॉग ऑफ साइन एक्स टू द बेस कॉस एक्स, ये डिफरेंशिएशन बड़े मजे की चीज है, बड़ा इसमें जो है बहुत कुछ कर सकते हो। लॉग ऑफ कॉस एक्स अपॉन, और ये इसका साइन एक्स, अच्छा यहां पे ध्यान देना, यहां पे माइनस वन लगेगी, ये पावर यहां पे क्या लगेगी, ये माइनस वन प्लस साइन क्यू अपॉन क्यू इनवर्स एक्स स्क्वायर, बोलो इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हो या नहीं विद रिस्पेक्ट टू एक्स? अगर ये पूरा का पूरा वाई है तो वाई डैश निकाल सकते हो या नहीं? क्या चेन रूल लगाएंगे वन यू पहले तो यू सबसे पहले अपॉन वी बेस वाले ई लगाएंगे करेंगे, सबसे पहले काम क्या करेंगे, हम बेसी। बेस ई करेंगे, बिना बेस ई किए हुए नहीं करेंगे, बात समझ में आई नहीं? बेस ई करेंगे फिर क्या करेंगे, यू अपॉन वी वाला बहुत बढ़िया, यू अपॉन वी लगाएंगे। अच्छा जरा इन दोनों को अपोजिट जरा ध्यान से देख लेना कि ये बन क्या रहे हैं, क्योंकि इनवर्स लगवाए एक में, बनेंगे। अपोजिट नहीं बनेंगे, सेम बन जाएंगे, स्क्वायर हो जाएगा इसका, इसका स्क्वायर हो जाएगा, सेम बन जाएंगे, बात समझ में आ रही है? इसका इसका आंसर बड़ा लंबा चौड़ा है, जो आएगा लिखना, अगला सवाल कर रहा हूं, ठीक है, अगला सवाल करो, ध्यान से देखो। वाई वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ अंडर दी ब्रैकेट एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर का अंडर रूट, ये फोर है अंदर, है ना, ये अंडर रूट के अंदर फोर है, इसको करो जरा, इसका वाई डैश निकालो, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं, खुद करो ये तभी मजा आएगा तुम्हें। वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट की पावर एन, ठीक है, एक ये करो, और तीसरा दे रहा हूं वाई इज इक्वल टू एफ टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, कल जो बातें बताई थी उनके ऊपर है ये वाला तीसरा क्वेश्चन जो है, एंड एफ डैश एक्स भी दे रखा है, देखो इसमें क्या दे रखा है, साइन एक्स का स्क्वायर, और निकालना क्या है हमको, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, बात समझ भाई, एफ डैश एक्स दे रखा है, एफ डैश एक्स दे रखा है ये, और वाई दे रखा है आपका, ये दे रखा है, ठीक है, निकालोगे, यस सर, इनको ट्राई करो, और वो अपने सवाल मुझे भेजो अभी, अपने जो रह गए ना उनका फोटो खींच के व्हाट्सएप पे भेजो, उनका फिर सॉल्यूशन अभी डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ी देर बाद सॉल्यूशन अभी क्या वो चीज, वही वाले सवाल वो वही वाले सवाल थे जो ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट डिफरेंशिएशन करना है, वही वाले सवाल थे। वो आपने ब्रैकेट के एक्सप्लेन कर दिया, वो अंदर चाहेंगे ब्रैकेट के अंदर ना, ब्रैकेट वाले जरा फोटो तो भेज दो ब्रैकेट। उसका, उसका फोटो भेज दो, बहुत सारे सवाल है, मैं कहीं ऐसा ना हो गलत सवालों को जो डिस्कस करूं, वाला भेज दो, अभी थोड़ी देर बाद फिर ऑनलाइन आते हैं, फिर कर लेंगे, ठीक है, अभी तुम ये वाले सवाल डिस्कस करो, और जो बीच में छूटे ना वो वाले मैं तुम्हें अभी वीडियो अपलोड करके भेजता हूँ, ठीक है, क्यों, फिर से सर नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि उनके करनी है जीशान सर की जाएंगे अगर ट्रेवल। जीशान सर की क्लास हो जाए उसके बाद आ जाना, क्या दिक्कत है, आज मैं बरसात की वजह से कहीं नहीं जा रहा हूँ, अभी तुम ठीक है सर, बैठे ठीक तो पढ़ने के लिए ही हो ना, अगर मान लो उनकी क्लास है, शुरू, अभी तुम ये सवाल सॉल्व कर लो, अगर उनकी सवाल उनकी क्लास सॉल्व हो जाए, उनकी क्लास शुरू हो जाए, तो तुम उनकी क्लास कर लेना, कोई परेशानी नहीं है, तुम मुझसे जब ज्वाइन कर, देखो मैं तो मुश्किल से 8:30 से 9:30 तक बिजी रहूंगा, 1 घंटा मुझे क्लास लेनी है उनकी, उससे पहले कर लेंगे या उससे बाद कर लेंगे, कोई मसला नहीं, बात समझ में आई नहीं, तो तुम सर क्वेश्चन अभी, देख ले व्हाट्सएप पे। हाँ मैं व्हाट्सएप पे क्वेश्चन देख ले रहा हूँ, तो तुम दोबारा ज्वाइन करना, दोबारा मैं तुम्हें फिर नए तरह के सवाल करा दूंगा, और तुम्हारी जो डाउट्स हैं कल के वो भी दूर कर दूंगा, ठीक है। ठीक है।
अभी तुम ये दिए हुए सवाल करो और जीशान सर से कांटेक्ट कर लो कि वो कब कराएंगे क्लास, ठीक है? ये 3 सवाल करने हैं। ये वाले 3, और देखो स्क्रीनशॉट ले लो इनका। ले लिया? यस सर। अच्छा, और एक ये वाला करना है, स्क्रीनशॉट लो इसका, 1 मिनट, स्क्रीनशॉट जी लो। ले लिया। एक ये वाला करना है, इसका आंसर ये आ रहा है, स्क्रीनशॉट लो। ले लिया। अच्छा, एक ये वाला करना है, ये मैंने किया नहीं है पूरा, इसको करो, स्क्रीनशॉट लो इसका। ठीक है। अच्छा, इसका ये तो मैंने कर दिया। अच्छा, यस सर। ये मैंने किया या नहीं? हाँ, ये भी मैंने कर दिया, कर दिया। ये मैंने किया, हाँ ये भी मैंने कर दिया। ठीक, जो तुमने स्क्रीनशॉट लिए ये सारे सॉल्व करो अभी तुम, और जीशान सर से बात कर लो। ये सॉल्व करते ही तुम बहुत काफी सीखने लगोगे, 100% बता रहा हूँ, ठीक है? चलो, और ठीक फिर है। फौरन मुझे कॉन्टेक्ट कर लेना, मैं बिल्कुल सिर्फ 1 घंटा क्लास लेनी है, वरना मैं इंशाल्लाह ताला फ्री हूँ, ठीक है? एक सवाल यह है, अगर लॉग लॉग के बेस में ई ना लिखाओ, सिर्फ लॉग लिखाओ, तब उसे कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? क्या लिखा, क्या लिखा हुआ? सिर्फ लॉग लिखा हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल डिफरेंशिएट लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। हाँ, तो इसका मतलब ई है वहां पर, उसको तो अगर डन से कुछ डायरेक्ट भी, क्लिक, उसको तो क्या करो, 1 अपॉन sin x + cos x हो जाएगा, और sin x का अलग चेन रूल, sin x + cos x को चेन रूल से करो, ठीक है? ठीक लॉग सिर्फ लॉग लिखा है, हुआ है, ठीक उस पे बेस में ई नहीं है सर। है, ठीक है। तो तुम सर 1 मिनट जरा सा पॉज करो।